नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी कहीं ना कहीं तय मानी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुआ मतदान। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पर्रा भारी। विपक्ष से यशवंत सिन्हा है उम्मीदवार। 21 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का होगा शपथ ग्रहण। भारत देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं। बता दें कि संसद भवन और राज्य की विधानसभाओं में मतदान हुआ, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई सांसद और मंत्रियों ने वोट डाला और कई राज्यों के सीएम ने भी मतदान किया। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है, तो उधर वोटों का गणित बता चुका है कि राष्ट्रपति चुनाव एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी माना जा रहा है। उन्हें बीजेपी, वाईएसआरसीपी, बसपा, अन्ना द्रमुक, तेदेपा जद, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना और झामुमो जैसे क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिला है। द्रौपदी मुर्मू का वोट शेयर लगभग 2/3 तक पहुंचने की संभावना है। द्रौपदी मुर्मू की जीत भी पक्की मानी जा रही है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं, तो वो आदिवासी समुदाय की देश के शीर्ष संवैधानिक पर पहुंचने वाली पहली शख्सियत होंगी। बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार एक सांसद के वोट का मूल्य 700 है, तो वहीं अलग अलग राज्यों में हर विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश में हर विधायक के वोटों का मूल्य 208 है, फिर झारखंड और तमिलनाडु में 176 है, इसके बाद महाराष्ट्र में 175 है, तो वहीं सिक्किम में प्रत्येक विधायक की वोट का मूल्य 7 है, जबकि नागालैंड में ये 9 और मिजोरम में 8 है। मतदान के बाद 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। 21 जुलाई को वोटों की गिनती के बाद देश के नए राष्ट्रपति के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। रिपोर्ट, प्राइम टीवी। यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। दोनों को ही विपक्ष ने पूरा समर्थन दिया है, लेकिन एनडीए का समर्थन कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के साथ पक्का था। अब देखना यह होगा कि जब रिजल्ट आता है तो विपक्ष का कितना सहयोग मिला है द्रौपदी मुर्मू को, क्या उनकी ताजपोशी जिस तरह से संभव मानी जा रही है क्या वही होता है, या फिर विपक्ष ने कहा कुछ और है और किया कुछ और है, ये 25 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।